एग्रो बैंक एटीएम में चोरी करने की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। एसपी राजेश व्यास ने बताया कि चोरियों को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के मार्गदर्शन में इनको पकड़ने अभियान चलाया जा रहा है। मोतीनगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के कुछ लड़कों के जीवन शैली बदलाव आया है, सुख सुविधा भोगने लगे हैं, गाड़ी खरीदी और रुपए खर्च करने लगे हैं। इस आधार पर जब छानबीन हुई तो चार चोरियों का खुलासा हुआ। इनसे और भी अन्य वारदातों का पता चला है। इन्होंने बड़ा बाजार क्षेत्र के एक बैंक और आईटीआई के सामने मध्यांचल ग्रामीण बैंक से चोरी की थी और दो अन्य मकानों में चोरी करना स्वीकारा है। आसपास के जिलों में भी चोरी की वारदातों को लेकर इत्तला की गई है। थाना मोतीनगर की कुल चार चोरियों का खुलासा हुआ है। ये इनके पास से दो गैस कटर और दो सिलेंडर भी मिले। ये गैस कटर ये लोग बेगमगंज से चुरा कर लेके आए थे। तो ये गैस कटर से ये लोग अभी तक तो बैंक में जो लोग घुस रहे थे तो ये कुछ ज्यादा चोरी नहीं हो पा रही थी, पर इनका इरादा था बैंक में वो जो लॉकर होता है उसको काट कर चोरी करने का। तो पुलिस ने मतलब बहुत समय के पहले ये चीज इस गैंग को पकड़ा कि पुलिस की बड़ी सफलता है। जो उक्त आरोपियों के करने से नगद सोने चांदी के जेवरात, दो मोटरसाइकिल, कुल तकरीबन 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं।